प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी शामिल होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर वो कौन सा दिग्गज नेता है। और साथ ही वीडी शर्मा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी आज सदस्यता दिलाएंगे। पार्टी की कई कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या नाम एक्सपोज हो पाया है कि वो कौन से नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं बल्कि देश के लिहाज से बेहद कद्दावर नेता है ये। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पीसीसी चीफ के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। इसके साथ ही 3 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं बल्कि देश के लिहाज से एक बड़े नेता उन्हें माना जा सकता है। और अब से कुछ देर बाद लगभग बताया जा रहा है लगभग 9 बजे के आसपास वो मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको सदस्यता बीजेपी की दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, जिस तरीके से लगातार प्रत्याशियों के चयन को लेकर रस्साकस्सी कांग्रेस में चल रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और उसी कड़ी में अगर इतने बड़े नेता का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी गिराने वाला होगा। और इसके साथ ही बीजेपी इस तरीके से लगातार ज्वाइनिंग अभियान करा के बड़े दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में जुटी हुई, तो ये लोकसभा चुनाव के लिए बेहद बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। जी शैलेंद्र, इससे पहले नाम आ रहा था कमलनाथ का कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो इंडिकेशंस हम इस वक्त बता रहे हैं कि अध्यक्ष रह चुके हैं, पीसीसी चीफ और ये तमाम चीजें, राज्यसभा के वो सांसद भी रह चुके हैं, कुछ मैच करती हुई नजर आ रही है इनके प्रोफाइल से, क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आपने सही ठीक कहा कि कुछ दिन तक लंबे समय तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय कमलनाथ जो है वो वहाँ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सब पर एक तरीके से एक सिरे से खारिज कमलनाथ कर चुके हैं, तो उन्हीं के समकक्ष ये नेता है जो ज्वाइन करने आज जा रहे हैं। लंबे समय से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में सक्रिय रहे हैं, अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है, मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद उस नाम पर भी, हालांकि वो जो संशय है वो बादल उसके बादल छट जाएंगे कि आखिर वो नाम क्या है। जी नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, जानकारी आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि आज कद्दावर नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के, जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वीडी शर्मा आज उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। एक नजर टॉप 50 खबरों पर।